बच्चे कुछ भी नहीं है साहब, उन्होंने साथ में रहेंगे तो बच्चे होंगे ना, बच्चे ही नहीं है, रहते 1 महीना 2 महीने रहते, फिर मेरे ऊपर हरासमेंट का केस डालते बोल के, बोल रहे मेरे ऊपर, मैं कुछ भी हरासमेंट करा नहीं है भाई, क्या है सुबह में कहते शाम में मार्केटिंग करने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मैं MM पहाड़ी का रहने वाला हूँ। मेरे घर में जो है मेरी वाइफ के संग ऐसी गाली गलौज होने के चक्कर में जो है मेरा साला जानलेवा हमला करा मेरे ऊपर, दोस्तों को गैंग को ऊपर ला के इस्लामी याकूबपुरा इस्लामिया कॉलेज के पास आके मेरे को मार, जान से मारने की कोशिश थी उसकी पूरी, उसकी कोशिश नाकामयाब हुई, मेरे को पब्लिक बचा ली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया, पूरे टाके भी लग गए टाके। आपके वाइफ के बीच में तो झगड़ा हुआ, उसकी क्या वजह? मेरी वो उन्होंने मेरे संगात सही नहीं रह रहे थे, बात करेगी लड़ना झगड़ना चल जाना, एक 6-5 साल से ये चल रहा, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन यही चल रहा, उन्होंने मेरे संगात रहना भी नहीं चाह रहे, रह रहे भी नहीं और डिमांड कर रहे, 5-5 लाख दियो छोड़ दे रहे तो 10 लाख दियो, बोल गया था डिमांड कर रहे उन्होंने मेरे ऊपर, बहुत तो बस से बस जलन करके रख दिया उन्होंने मेरे को। बहुत आपके ऊपर जब अटैक हुआ कितने जने मिलके मारे आपको? उन लोगों को मैं ऐसा गाड़ी की चाबी फिरा रहा हूँ, ऐसा चाबी फिरा दी कि धनाधन धनाधन मारम पीटी पूरा शुरू हो गया था उन लोगों के। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरा मेरे को निकल पंच लेके एक जना मार दिया, मेरे को पकड़ लिए थे उन लोगों की पूरी गैंग थी, उन लोगों के उन लोग प्लानिंग से आए थे पूरा, तो मैं क्लिनिक में अंदर चले गया था, तो मैं 100 को फ़ोन करते कि फिर पुलिस वाले आए, मेरे को पब्लिक बचाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया, लेकिन मैं भी काम काज करने वाला हूँ, मार्केटिंग करने वाला हूँ, अगर मैं इधर उधर फिरते रहता हूँ अकेला फिरते रहता हूँ, कभी भी लोग कुछ भी कर सकते, और पुलिस कंप्लेंट भी नहीं हुई मेरी, FIR भी नहीं लिखा है मेरी। क्या बोल रहे पुलिस वाले आपको? आ जाओ खाली, कब FIR ले लेके चल जाओ, और उसको छोड़ दिए और स्टेटस लगा रहा उन्हें, FIR भी नहीं लिखे या उसको छोड़ दिया, आम खा जैसा आज़ाद शेर के जैसा छोड़ दिया उसको, गैंगलर ऐसा तो था बनो, ऐसा बेफिक्री से संगारेड्डी से हैदराबाद को डेर नहीं से होके आगे मेरे को मारम पीटी करके एकदम मर जाता था मैं, अल्लाह का शुक्र है पुलिस वाले एक्शन ले लिए, कंपरमेज करा दो कंपरमेज करा दो बोल के बोल रहे भाई, गाली गुलज दिया भाई मेरी जोरू को दिया, वो सही बात है जोरू मरद के बीच में चलते रहता वो, तो उन लोगों की क्या जरूरत, मैं बातचीत करता हूँ समझा, आगे सीधा मेरे को जानलेवा हमला कर दिया उन्होंने। 5 साल हो रहा था, 2000 बच्चे कुछ भी नहीं है साहब, उन्होंने साथ में रहेंगे तो बच्चे होंगे ना, बच्चे ही नहीं है, रहते 1 महीना 2 महीने रहते, फिर मेरे ऊपर हरासमेंट का केस डालते बोल के, बोल रहे मेरे ऊपर, मैं कुछ भी हरासमेंट करा नहीं है भाई, क्या है सुबह में कहते शाम में मार्केटिंग करने वाला हूँ। बार बार अपने वालदा के पास जाने की क्या वजह है? बार बार उनकी वजह क्या है कि क्या नहीं कि समझ में नहीं आता, मैं बात बुलाते रहते मैं न्यानी के ऊपर में, उन्होंने मैं गाली गलौज करा उनके ऊपर, ऐसा उन्होंने उल्टे जवाब दे रहे गालियां दे रहे, ये देख रहा छाती मार के बोल रहे, ये देख रहा औरत औरत कुछ भी कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकता तू, आदमी है ना तू, इसके नीचे रहता तू कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं खड़ ले सकता बोल के बोल रहे हो। मैं कल उलगा यही बोल रहे थे केस हटा दो केस हटा दो, मैं केस नहीं हटाता हूँ बोल के बोला था, कल के दिन जो है मेरे को कुछ भी हो जाएगा जानलेवा हमला हो जाएगा साहब, मैं अकेला फिरता हूँ, प्लीज मेरी मदद करिया। कौन है ये? जो है मेरे सास है इनू और मेरी ये वाइफ है, ये जो कल मेरे पर जानलेवा हमला करा है, इसकी कोशिश नाकामी अब हुई, दोनों में से ये जो बगर मास्क के जो है वो मेरा साला है, जी मेरे पर हमला करा, निकल पंचे मारा, मेरे आंख फूट जाती थी, शुक्र है अल्लाह का मेरा बच गई मेरी आंख, पुलिस उस्मानिया हॉस्पिटल को गया था, मेरा साला स्टूडेंट है सर मेरे साले, अभी आप क्या चाह रहे हो? मेरे को इंसाफ होना था, मैं कभी भी किधर भी जाते रहता हूँ फिरते रहता हूँ साहब, मेरे को इंसाफ होना, मेरे को कभी भी किधर भी कुछ भी कर देंगे लोग, मेरे को जान का धोखा है लोगों से, कभी भी कुछ भी लोगों की तरफ से मेरे दुश्मना कुछ भी नहीं है साहब, मेरा लोगों से दुश्मन। मैं रहना चाह रहा हूँ सीधा तरीके से, अगर रहना चाह रहे तो रहता हूँ साहब, ऐसा उन्होंने रह रहे मेरे संगत, छोड़े तो मेरे पर डिमांड कर रहे 5 लाख दियो 10 लाख दियो बोल के बोल रहे, ऐसे डिमांड ना कर रहे हैं और मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे था, मेरे संगात रह रहे भी नहीं छोड़ रहे भी नहीं मेरे, खाली फंसा दियो बोरे आज केसों पे केस, और मैं कॉल करके बोला इनको पुलिस स्टेशन में, मेरा और तुम्हारे भाई का किस है, तुम्हारे से तो लड़े झगड़े कुछ भी नहीं है ना, तुम आते तो आ जाओ बोल के भी, हाँ तेरे को शर्म ही नहीं है क्या रे अभी बोल के बोल रहे हो मेरे को, कल मेरे को शर्म ही नहीं है बोल के तो अब फिर बुला रहा मेरे को, शर्म ही नहीं है बोल के बोल रहे हो मेरे को, 5-10 मिनट में छुड़ा के लग जाती हूँ मेरे भाई को बोल के बोल रहे हो ना, पुलिस स्टेशन में मैं लेके गया तो भी 5-10 मिनट में छुड़ा लेती हूँ, क्या करता आप मैं तेरे ऊपर चलाती हूँ केस बोल के बोल रहे हो ना मेरे ऊपर, प्लीज मेरे को हेल्प होना था,
कोशिश के लिए मेरी गवर्नमेंट तेलंगाना पुलिस से मेरी यही गुजारिश है, मेरे को जानलेवा हमला किधर भी हो सकता था। हर बार मर्द गलत नहीं रहता, औरत भी गलत रहती है, हर बार देखना चाहिए सर, थोड़ा जान करिए इसमें। मेरे को घर के जिम्मेदारियाँ था, मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं होना था। अभी ये 5 साल से ये चल रहा, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन ये से था, मैं भी घर का जिम्मेदार हूँ, मैं भी करके खाने वाला हूँ। सुबह में गए तो शाम में आते हम लोग, अभी करके आज के खाने वाले, मेरे को घर की जिम्मेदारी है, मैं ये लड़ाई झगड़े में नहीं रहना चाह रहा हूँ। या तो मेरे को इंसाफ होना, या तो मेरे को पुलिस वाले से इंकाउंटर कर दो, या तो मेरे को सुसाइड करके मर जाता हूँ। बहुत तकलीफ़ हो गई है, 5 साल से बहुत परेशान करके रख दिया। लोग डिमांड कर रहे 5 लाख कहाँ से लूँ साहब, मैं 10 लाख कहाँ से लूँ, बोलिए। प्लीज़ मेरी गुजारिश है पुलिस वालों से, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से भी,